जिला भाजपा युवा अध्यक्ष आशीष गर्ग ने पत्रकार से वार्तालाप किया। रिपोर्ट डब्लू गोस्वामी, ब्यूरो चेवराई स्थान। फुलेरा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी विधायक निर्मल कुमावत के चौथी बार भाजपा ने विश्वास स्वरूप फुलेरा विधानसभा में प्रत्याशी बनाया। इसको देखते हुए भाजपा के पूर्व युवा जिला अध्यक्ष आशीष गर्ग से विधायक के बारे में ली जानकारी। निर्मल कुमावत 3 बार हैट्रिक कर चुके हैं फुलेरा विधानसभा से, आज चौथी बार इनको प्रत्याशी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी के। इसमें आप भारतीय जनता पार्टी का यूथ का जिले का अध्यक्ष है, आज आप बनाइए, आप निर्मल कुमावत को चौथी बार कैसे जिताएंगे? देखिए साहब, निर्मल जी को चौथी बार पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मैं यहाँ पे बीजेपी से पार्षद भी हूँ और पूर्व युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, और मुझे भी दूदू पश्चिम का प्रभारी बनाया है पार्टी ने। तो हम पार्टी की जो नीति, मोदी जी की नीति है, हम जनता के बीच में लेके जाएंगे उन नीतियों को, क्योंकि आपने देखा है कांग्रेस में कितना भ्रष्टाचार हुआ पिछले 5 सालों में, आपने खुद ने देखा है, आप खुद कवरेज करते हैं। महिला सुरक्षित नहीं है, जो वादे किए थे किसानों से वो पूरे नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी। तो हमारी सरकार आते ही सबसे पहले महिला को सुरक्षित करा जाएगा, उसके बाद जितने भी वादे हमारी पार्टी मैनिफेस्टो में देती है वो सारे वादे कंप्लीट किए जाएंगे। किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा, इसके अलावा पानी की समस्या है अपने यहाँ लोकल, पानी की समस्या कई वार्ड में है, वो पूरी की पूर्ति की जाएगी। और पूरी विधानसभा में निर्मल जी आते ही, अब क्या निर्मल जी के चांस है पूरे मंत्री बनने का, तो हम चाहेंगे पूरा चौमुखी विकास निर्मल जी के द्वारा किया जाएगा। तो हम तो निर्मल जी को जिताने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, एक एक घर पे जाके हम पूरा फॉलोअप कर रहे हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत मेरे चैनल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।